गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हांसी हत्या के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को सरकार सुदृढ़ करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, हरियाणा में अपराधियों को हम कुचलेंगे। वही हांसी में जो घटना हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है हरियाणा में, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, वो जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को किया है, पुलिस मुस्तैदी से उस तक पहुंच गई है और वो सब लोग गिरफ्त में आ जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कुचेष्टा करेगा, हमारी सरकार उसको मजबूती से कुचलने का काम करेगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है ऐसे लोगों को। और इस वक्त देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा है कि अपराधी को हम नहीं बख्शेंगे, लेकिन उससे इतर हम देखें तो लगातार घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं जो सरकार की सेहत के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है देवेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया है। और हांसी हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आरोपियों की पहचान कर चुकी है, जल्द ही आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, जो अपराध करेगा उसको कानून सम्मत सजा मिलेगी। देवेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बताइए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह चाहे गुरुग्राम पहुंचे थे, उन्होंने हांसी में हत्या मामले में साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी हैं उनकी पुलिस ने पहचान कर ली है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और किसी भी तरह से किसी भी सूरत में इस तरह के अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में सरकार इस तरह के अपराधियों को कुचलने का काम करेगी और जिस तरह से जो अनुभव हाथ में लेंगे और इस तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देंगे तो उनको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और उनको किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा जी। लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार के लिए तो एक चुनौती है देवेंद्र, क्योंकि नायब सैनी पर लगातार हमला हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए जी, हम बिल्कुल, जिस तरह से विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार संवाद आ रही है और उसी बीच आज जब नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, मजबूत करने में सुदृढ़ है और किसी भी तरह से जो आपराधिक वारदात है उनको लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस तरह की वारदात जो भी लोग दे रहे हैं, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि चलिए। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।